नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। मैं हूं ईश्वरजीत और मेरे साथ हैं सौरभ। इस सेगमेंट में हम हाल के हुए कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में बात करेंगे और उस पर साहित्यिक अंदाज में अपनी बात भी रखेंगे। उम्मीद है कि आपको यह सेगमेंट पसंद आएगा। तो बिना वक्त को गवाए सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। जी, सबसे पहले उसी पे चर्चा करते हैं। चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद पूरा विश्व आशंकित है। चीन में इससे अब तक 200 से अधिक व्यक्ति जान गंवा चुके हैं और करीब 10,000 लोग इससे ग्रस्त बताए जा रहे हैं। आने वाले समय में दोनों संख्याओं में वृद्धि की आशंका है, क्योंकि कोरोना वायरस से ग्रस्त लोग चीन के बाहर भी मिलने लगे हैं। इससे दुनिया भर में भय स्वाभाविक है। इस पर मैंने कुछ लाइनें लिखी है, सुनिएगा। किसी को सुलाया है इसने, किसी को रुलाया है इसने, किसी को सताया है इसने, किसी को जलाया है इसने। नहीं मालूम कहां से आया, नहीं मालूम किसने लाया, मगर संभलो ऐ दुनिया वालों, तुम्हें जगाया है इसने। मगर संभलो ऐ दुनिया वालों, तुम्हें जगाया है इसने। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा। 2020-21 के इस बजट को पक्ष और विपक्ष अलग अलग नजर से देख रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने अब इस बजट में देश के सभी जिलों में जन औषधि केंद्र भी खोलने की तैयारी में है, ताकि वर्तमान में हो रही डॉक्टर और अस्पताल की कमी को भी दूर की जा सके। इस पर भी हमने कुछ पंक्तियां लिखी है, सुनिएगा। जिसके लिए शहरी व्यंजन लजीज हो गए, जिसके लिए शहरी व्यंजन लजीज हो गए, उन सब के लिए दवाएं अब अजीज हो गए, उन सब के लिए दवाएं अब अजीज हो गए। जिस रफ्तार में खुल रही है जन औषधि केंद्र देश में, जिस रफ्तार से खुल रही है जन औषधि केंद्र देश में, लग रहा है जैसे अब हम सब के सब मरीज हो गए, लग रहा है जैसे हम सब के सब मरीज हो गए। वाह, क्या सुनाया है आपने, बहुत अच्छा। और सुनाता हूँ कि पटना के कंकड़बाग में अज्ञात बदमाशों ने टीपीएस कॉलेज के प्रोफेसर शिव नारायण राम की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त हुई जब वह पूर्वी इंदिरा नगर स्थित घर से पैदल कॉलेज जा रहे थे। वो मूल रूप से रोहतास जिले के दिनारा गांव के थे और टीपीएस कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। इस पर मैंने कुछ लाइनें लिखी है, सुनिएगा। कि क्या होता है इस कलयुग में, कि कोई बरसों तपे उन बच्चों को पढ़ाने में, कोई बरसों तपे उन बच्चों को पढ़ाने में, जीवन जिनका बीत रहा स्कूलों और सिखाने में, जीवन जिनका बीत रहा स्कूलों और सिखाने में, जिनकी वजह से ही है सब कुछ इस जमाने में, जिनकी वजह से ही है सब कुछ इस जमाने में, फिर भी लगे हो तुम उन गुरुओं को मिटाने में, फिर भी लगे हो तुम उन गुरुओं को मिटाने में। जी, न्यूजीलैंड दौरे पर गई भारतीय टीम इस वक्त शानदार लाजवाब प्रदर्शन कर न्यूजीलैंड के गेंदबाज बल्लेबाज यहां तक कि क्षेत्र रक्षक को भी मात दे रही है। ऐसे में T20 में करारी हार के बाद अब वनडे सीरीज में भी हार का खतरा मंडरा रहा है। तब विराट कोहली के मन में क्या चल रहा है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। हमारे गेंदबाज अपनी गेंद से डराते रहेंगे, हमारे गेंदबाज अपनी गेंद से डराते रहेंगे, पूरी दुनिया में भी तिरंगा लहराते रहेंगे, पूरी दुनिया में भी तिरंगा लहराते रहेंगे, जब तक न पहुंचेंगे हम 2020 में नंबर एक पर, जब तक न हम पहुंचेंगे 2020 में नंबर एक पर, तब तक हम अपनी टीम को जिताते रहेंगे, तब तक हम अपनी टीम को जिताते रहेंगे। बहुत क्या खूब आपने सुनाया। और मैंने कुछ लिखी है कि प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी
साइना नेहवाल ने भाजपा के साथ राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने इस मौके पर पत्रकार वार्ता कर साइना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि साइना नेहवाल भाजपा में शामिल हो रही है। इस मौके पर साइना नेहवाल ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी प्रेरित हैं, जिसके वजह से वह भाजपा में शामिल हुई है। इस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, सुनिएगा। जिसे अनारी हम समझे वो कारोबारी निकल गए, जिसे अनारी हम समझे वो कारोबारी निकल गए, जो खिलाड़ी थे यहाँ वो व्यापारी निकल गए, जो खिलाड़ी थे यहाँ वो व्यापारी निकल गए। पहली पारी समाप्त हुई नहीं, दूसरा आगाज किया। पहली पारी समाप्त हुई नहीं, दूसरा आगाज किया। जिसे रिटायर हम समझे वो नेत्री भारी निकल गए, जिसे रिटायर हम समझे वो नेत्री भारी निकल गए। क्या बात है, बहुत खूब। और सुनिएगा, इस बजट की एक और खास बात ये रही कि वित्त मंत्री ने महिलाओं पर पूरा ध्यान लगाते हुए सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की। उन्हें लगता है कि कम्युनिकेशन भी बड़ी समस्या है, जिसे स्मार्टफोन के माध्यम से आसानी से दूर किया जा सकता है। इस पर भी मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, सुनिएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से किया वादा निभाइए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से किया वादा निभाइए, और आंगनवाड़ी केंद्र की समस्या जहन में लाइए, और आंगनवाड़ी केंद्र की समस्या जहन में लाइए। स्मार्टफोन देने की पहल अच्छी है आपकी, स्मार्टफोन देने की पहल अच्छी है आपकी, पर उनके स्मार्ट पेमेंट से लगा विराम हटाइए, पर उन पे लगाइए विराम हटाइए। क्या कहने आपने। आप देख रहे थे KKN लाइव का साहित्यिक सेगमेंट अल्फाज़े हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे पेज को लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।